प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी छुट्टियां अच्छी गुजार रहे होंगे और घर के काम में अपनी अम्मी की मदद कर रहे होंगे। वन क्लास, आज हमने करना है डे टू का काम। ठीक है, आज हम डे टू का काम करेंगे। काम शुरू करने से पहले हम इलम इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इलम में इजाफा फरमा। अब हम डे टू का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे डे टू का काम है कुरान मजीद। कुरान मजीद के बारे में हम पढ़ेंगे। कुरान मजीद के मुतल्लिक दर्जा ज़ेल मालूमात मुकम्मल करें। आपने क्या करना है? कुरान मजीद के मुतल्लिक मालूमात को मुकम्मल करना है। ठीक है, अल्लाह ताला की आखिरी किताब का नाम क्या है? कुरान मजीद। ये आपने यहाँ पे कुरान मजीद लिखना है। कुरान मजीद की ज़ुबान क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपने फिर उसका बताना है। कुरान मजीद की ज़ुबान जो है वो अरबी है, यहाँ पे अरबी आएगा। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ आपने वो बताना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। कुरान मजीद के कितने पारे हैं? कुरान मजीद के 30 पारे हैं, यहाँ पे 30 पारे आएंगे। कुरान मजीद की कितनी सूरतें हैं? यहाँ पे आपने क्या करना है? कुरान मजीद की सूरतों के बारे में बताना है। तो कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? 114। आपने यहाँ पे 114 लिखनी है। कुरान मजीद की तलावत शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुरान मजीद की तलावत शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पे आप बिस्मिल्लाह लिखेंगे। इसके बाद कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियाँ मिलती हैं वो आपने बताना है। सबको पता है ना, 10 नेकियाँ मिलती हैं। कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियाँ मिलती हैं। यहाँ पे आपने सबने अपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, आपने अपना काम बहुत नीट करना है, अच्छे से करना है, अच्छी अच्छी छुट्टियाँ गुजारनी है। ठीक है, फिर मान लो।